तीसरा सवाल, आप जिन टॉपिक से पहले बोला करते थे करियर के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, आप उससे ज्यादा बात नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं मैं करता हूँ, लेकिन सवाल के ऊपर है ना, एक लाइफ होता है, एक आदमी का लाइफ का साइकिल चल रहा होता है। मुझे अक्सर बात ये लगता है कि जी मैंने 95 में, 93 में, 94 में बुक्स लिखी, इतनी ज्यादा सक्सेस के ऊपर लिखी। आदमी का जो लाइफ साइकिल होता है ना, वही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है आदमी उस वक्त। मैं खुद करियर के ऊपर सक्सेस में जा रहा था, मेरी डेफिनेशन सक्सेस की फर्क थी। तो बजाय इसके कि मैं इस एज पे, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे नजदीक है सक्सेस की डेफिनेशन ही बदल चुकी है। तो मैं इस वक्त अगर सक्सेस के बारे में बात करूँ तो मुझे बात हो ये भी लगता है कि यार इस वक्त सक्सेस के ऊपर बात करने वाले बहुत बड़े लोग हैं, जो कि शायद मेरे से ज्यादा नई नस्ल के साथ ज्यादा अटैच हो पाते हैं। आपको सोचे ना, आप 30 साल के हैं और आपको 30-32 साल का आदमी, 35 साल का आदमी पढ़ा रहा है, शायद आपको उसके साथ कनेक्शन ज्यादा होगा, वो आपकी नस्ल का होगा, आपको समझा पाएगा, आपसे ज्यादा चार्जर होंगे, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, आपको मोटिवेशन दे देगा, आपको पता होगा आपकी नस्ल के लोग कैसे खुश होते हैं। तो इसलिए शायद आपको लगता है कि शायद मैं इसका नहीं बोलता। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि सवालों पर डिपेंड करता है, सवाल क्या होते हैं। मसलन अगर आप मुझे जिस तरीके से सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझ पर सक्सेस के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देंगे, टॉपिक से पूछना शुरू कर देंगे, जो कि मुझे लाइफ के अंदर जो मेरी बुक का रोल तो सक्सेस ने बहुत फेम दिया है सक्सेस के ऊपर, तो मैं उस सक्सेस के, अगर आप वो मुझसे सवाल पूछेंगे करियर के बारे में, करियर के बारे में जवाब देना शुरू करूंगा। लेकिन मुझे एक चीज जो फर्क नजर आता है, वो ये नजर आता है कि जो करियर के सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत मैच्योर सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। आप खुद सोचे मेरे जमाने में वो ब्रायन ट्रेसी, ये टोनी रॉबिन्स, ये नए नए अभी काम शुरू हुआ था, ये सक्सेस का फील 1990-92 में बड़ा नया नया सा था दुनिया में, पाकिस्तान में मैंने शुरू किया। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा फील मैच्योर हो गया है इसके ऊपर। आपको कह रहे आप उस जमाने में तो मैच्योरिटी किसी और लेवल पे आप कहते थे, आज तो अब आप देखें ये सब्जेक्ट आपको भरे हुए डाटे के ऊपर, हर जगह से आपको, हर मुल्क में आपको स्पीकर मिलते हैं, किताबों की किताबें अवेलेबल है, हर जबान में अगर किताबें अवेलेबल है। तो साफ तरह के एक तरफ तो ये कि मेरे जवाब शायद फर्क होंगे, एट द सेम मैंने सक्सेस की डेफिनेशन बदल चुकी होगी, दूसरी तरफ ये इतना जो टॉपिक्स हैं कि इस पे इतना कुछ मटीरियल ऑलरेडी अवेलेबल है कि शायद लोगों को वो लोग सवाल इसलिए भी पूछते होंगे, इतना जो टॉपिक है उनको टॉपिक मिल जाते होंगे, रिसर्च पे मिल जाते होंगे, इसका जवाब मिल जाता होगा। और मेरा बाकी ख्याल है कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम दिया दिल में, वो जॉब अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप सक्सेस एक यंगस्टर के लिए क्या होती है, उसने कैरियर में अभी सक्सेस लेनी है। अब कैरियर में जिसने सक्सेस लेनी है, आपको उसी तरह की कैरियर की सक्सेस को देने के लिए यू वी लाइक टू यू नो एसोसिएट विद समवन, आप उस शख्स के साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं जो आप इसको आइडियलाइज करते हो। तो साफ है कि एक 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का जो यंगस्टर है, वो उन्हीं लोगों को आइडियलाइज करेगा जो यंगस्टर होंगे उसके साथ, उनके एनर्जी नजर आएगी, सूटेड बूटेड नजर आएंगे। ये चीजें मैं अपनी जवानी में कर चुका हूँ। तो ये एक वजह ये भी है कि शायद इस वक्त मुझे ये लगता है कि सक्सेस के जो टिपिकल जो आज एक यंगस्टर को सक्सेस का जवाब चाहिए, शायद वो जवाब मैं उसको उस तरह ना दे पाऊंगा, उसको शायद वो जवाब दे दूं जिससे वो शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, जो उसको ये लगे कि अच्छा आपको सोचे ना, एक पांचवी जमात के बच्चे को पांचवी का जवाब चाहिए, अगर मैं उसको आईएमए का जवाब दे दूं, जो अक्सर का प्रॉब्लम ये भी होती है कि जो आपको सवाल पूछने वाला है आपको उसकी उम्र का नहीं पता कि उसकी उम्र क्या है। तो मैं मुझसे अगर आप पूछे जनरलाइज सवाल, एक सवाल आ जाए कि भाई साहब आपके नजदीक कामयाबी क्या है, तो मैं तो कामयाबी आपको मासूम की हायरार्की के ऊपर सारी ऊपर नहीं बताऊंगा कि जनाब स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये कामयाबी है। तो वो गॉट अबाउट एक बंदा जिसने अभी मटीरियल सक्सेस नहीं ली, उसको तो एक उसके ऊपर से गुजर चली जाएगी। तो एक ये बड़ी बात है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, फील्ड मैच्योर हो चुका है। तीसरी बात ये बता दी कि नहीं जनाब, अभी भी मुझसे तो आप पूछेंगे जानते हुए कि मेरी उम्र क्या है, मैं आपको क्या जवाब दूंगा, और आपको फिर एक पूरे का पूरा होलिस्टिक जवाब चाहिए, सिर्फ आधा जवाब नहीं चाहिए, ये उस उम्र का जवाब नहीं चाहिए, आपको कैरियर या सक्सेस एज अ होल का जवाब चाहिए। तो मैं अभी भी ये सब्जेक्ट का आपको जवाब देने के लिए मुझे कोई आर नहीं है, मैं दे सकता हूँ।
आखिरी बात जनरेशन गैप की मैंने आपको बताया कि जो जनरेशन गैप होता है ना, एक नस्ल होती है। तो शायद मैं इस वक्त आइडियलाइज, लोग मुझे करते भी होंगे तो मेरी नस्ल भी लोग आइडियलाइज करते हैं, जिन्होंने मुझे ग्रो होते हुए देखा, जिन्होंने मुझे आगे जाते हुए देखा, जिन्होंने मुझे लाइफ की स्ट्रगल्स करते हुए देखा, जिन्होंने मुझे ये देखा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ कैसे लेने के बाद सब कुछ कैसे छोड़ा और अपने आप को कैसे आहिस्ता आहिस्ता पीछे किया। अब ये जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोग सारे मेरी उम्र के होंगे, आगे पीछे होंगे, 5 साल बड़े होंगे, 5 साल छोटे होंगे, उनको मेरी बात बड़ी आसानी से समझ आ रही है। इसलिए जो नई नस्ल के लोग होंगे, जो यूनिवर्सिटियों से निकल के आ रहे हैं, उनके नजदीक इसमें कामयाबी की डेफिनेशन बहुत फर्क होगी। मैं अक्सर कहा लोगों से कहता हूँ कि कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कि आपको ना खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतना ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ी, लोगों की लाइफ को पढ़ता रहा, सारी जिंदगी गुजार के 30-35 साल, मैं अक्सर देखता था कि वो जो हायरार्की, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप मुझसे पूछना जिंदगी क्या है, तो कहता हूँ पहाड़ी के ऊपर ना कुछ लोग हैं जो कामयाब हैं जिंदगी में, जो जो सक्सेस अचीव कर चुके हैं, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। आपको पता है ऊपर काफी लोग पहुंचते हैं पहाड़ में, हायरार्की के ऊपर नीचे बहुत लोग होते हैं। अब जो ऊपर खड़े हुए पहुंच गए ना बेचारे, थक के, टूट के, कुर्बानियां दे के, जिन्होंने जिंदगी में कुछ मटेरियल सक्सेस लेके कुछ कामयाबियां करवा ली है, उनको पावर मिल गई है, उनको पोजीशन मिल गई है, उनको पैसा मिल गया है, मटेरियल सक्सेस मिल गई, वो ऊपर खड़े हुए हैं और वो चीख रहे हैं उतने कुछ नहीं है। जो जो नीचे खड़े हुए हैं ना, जो अभी तक उधर पहुंचे नहीं है, वो कहना झूठ बोलता है। आप पहुंच गए होते सामने भी जान करता, तो मुझे ये मेटाफोर तस्वीर दी है, ये मुझे नजर आता है जो लोग ग्रेजुएट के सक्सेस पे पहुंच जाते हैं, वो आपको वो बातें बताते हैं जो कि सही होती है, उनके हवाले से सही होती है। वो ये हमेशा कहते रहते हैं कि यार जिंदगी में आपको सोचे ना, शुरू में आप कैरियर करते हैं, आपकी वैल्यूज क्या होते हैं, अचीवमेंट, पैसा, मटीरियल, गाड़ी, घर, अच्छी खादी, बाद में आपको क्या चाहिए, सेहत, खुशी, सुकून, अल्लाह के साथ ताल्लुक, हर बंदे की ये कहानी है जो कि इस साइकिल को पूरा कर लेता है। अब ये जो पहुंच चुके हैं ऊपर, ये आपको जब इनकी आप बात सुने कि ये है कामयाबी, तो जो नीचे वाले कहेंगे कि यार ये तो गलत बयानी कर रहा है, ये तो खुद पहुंच गया, हमें ऊपर जाने नहीं दे रहा। इसलिए कुछ चीजें आप भी वो कहते हैं नस्लों की तरह गलतियां करते चले जाए, बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये बात समझ आ जाती है अपने बड़ों से, अपने आगे जाने वालों की। कोशिश ज्यादातर लोग यही करते हैं कि हम तो खुद देखें, भाई आप भी आए, आप ऊपर चढ़े, ऊपर जाके देखने, आप भी जो हमें देखे, आप भी तीर मार लिया ऊपर गया, ताकि आप पहले उस लाइफ पे जाके 50 साल के बाद 40 साल के बाद जिंदगी में आपके लिए क्या अहमियत होती है। लेकिन शायद उम्र से ज्यादा भी वो चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, पर अगर आपने मटेरियल सक्सेस नहीं ली तो बाकी चीजों की शायद आपके नजदीक को वैल्यू ना हो। अगर आपने जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया, मटेरियली जो आप करना चाहते थे, फिर आपको शायद वो उन चीजों की कमी महसूस होगी जो आपने इस मटेरियल सक्सेस को हासिल करने के लिए लूज किए होंगे। मैं बहुत मिस करता हूँ, मैं इतना मसरूफ रहा हूँ अपने काम में, मैं बहुत मिस करता हूँ अपने बच्चों के साथ, मैंने टाइम नहीं गुजारा, आई मिस इट वेरी, मैं अपना बचपना मिस करता हूँ। मैंने 15-16 साल में उसे काम कर दिया था, आपको सोचे 30-35 में मैं कैरियर के टॉप के ऊपर पहुंच चुका हुआ था, 40 साल में मैं कैरियर से रिजाइन कर चुका हुआ था, तो वो टाइम तो दोबारा नहीं आना, बच्चों के साथ खेलने का टाइम तो नहीं आना, वो दोबारा टीनेज के भी आ गया। अब अक्सर बात वो चीजें जो शायद जो आदि के लोग करते हैं, मैं साइकिल चला लू, मोटरसाइकिल चला लू, मैं ये करूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वो उस टाइम पे मैं नहीं कर पाया। तो कई चीजें तो आप रिपीट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं बुढ़ापे में, लेकिन कई चीजों का टाइम सिर्फ टाइम बाउंड होते हैं, वो आप कर नहीं सकते। आप ये जिंदगी ऐसा एक खेल है कि आपको हर चीज हर वक्त साथ नहीं मिलते। मसलन जब आपके पास पैसे हो गए, जब आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास टाइम बहुत है, जवानी है आपके पास, आप रिस्क टेकर है, आप जहां सफर करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे। जब आपके पास बजट है, आपको पैसे मिलना शुरू हो गए, गाड़ी अच्छी आनी शुरू होगी, तो उस वक्त तक शायद आपका शौक या शायद आपकी सेहत या शायद आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी हो। ये जिंदगी में हर चीज हर वक्त नहीं मिलती, या उस टाइम पे नहीं मिलती जब आपको चाहिए, हर चीज की एक कीमत होती है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मैंने सोचा
कि यार इस वक्त मैं कामयाब हो जाऊं, मैं मटेरियल सक्सेस ले लूं, मैं अचीवमेंट कर रहा, और जो मैंने जिसको करना था वो मैंने कर लिया, लेकिन यार ये चीज मैं बाद में फेल हो कर दूंगा, एक मतलब मुझे जस्ट यू नो इससे फारिग होने दो। लेकिन जब मैं उन चीजों से फारिग हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि वो चीजें मेरी प्रायोरिटी में नहीं रही, तो ये बात हो जाता है। तो इसलिए जो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव शायद नई जनरेशन के लिए टू मच हो, और अदर पीपल डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट नेवरतheless अगर आप मुझसे फिर भी सवाल पूछना चाहेंगे होलिस्टिक व्यू लेने के लिए तो आई एम अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया।